कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग टू कोहरेंट सोर्स ऑफ लाइट, आइडेंटिकल सोर्स ऑफ लाइट कैसे बनाए जा सकते हैं. पहला, कोहरेंट सोर्स ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स फ्रॉम सेम डिवाइस. किया था ना यंग्स ने भी यही किया था, दो अलग अलग सोर्स लेने की बजाय उसने एक ही सोर्स ले लिया, आगे स्लिट रख दी तो बात खत्म हो गई. नेक्स्ट है, टू कोहरेंट सोर्सेज शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल कलर लाइट, या तो रेड कलर लाइट है या येलो है या ब्लू है. व्हाइट कलर की जो लाइट होती है सात रंगों की बनी होती है, सात रंगों की लाइट जब आएगी दूसरे सात रंगों की लाइट के साथ जब इंटरफेयर करेगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न देख नहीं पाओगे, क्योंकि हर वक्त इंटरफेरेंस हो रही होगी तो आपको क्लैरिटी नहीं दिखेगी. तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन व्हाइट लाइट यूज की जाती है कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ कलर्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ देन ईच विल गिव इट्स ओन सेट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, तो ओवरलैपिंग पैटर्न बनेगा तो नहीं दिखेगा. नेक्स्ट है, पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव फ्रॉम टू सोर्सेज शुड बी स्मॉल. पाथ डिफरेंस स्मॉल का मतलब समझते हो, जैसे मान लो एक स्लिट ये रही और एक स्लिट तो बहुत नीचे पड़ी हुई है और आपका पॉइंट भी यहाँ पर है. अब सोचो एक लाइट ये जा रही है, एक बहुत नीचे से आ रही है, जो बहुत नीचे से लाइट आएगी उसको बहुत दूरी कवर करनी है, बहुत दूरी कवर करने में एम्पलीट्यूड वीक हो जाता है, वेव वीक हो जाता है. एम्पलीट्यूड वीक हो गया तो ये स्ट्रांग है ये वीक है, तो क्रेस्ट ट्रफ में आप कैंसिल कर नहीं पाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड ना के बराबर तो इंटरफेरेंस दिखेगा ही नहीं. तो पाथ डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक. और कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस क्या है? सस्टेन इंटरफेरेंस का मतलब डार्क डार्क दिखेगा, ब्राइट ब्राइट दिखेगा. पहली कंडीशन क्या है? द सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहरेंट. और दूसरी, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स दो सोर्सेज का एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? सेम. और थर्ड है कि टू सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक. और लास्ट है, टू सोर्सेज शुड बी पॉइंट सोर्स. बड़े बड़े बल्ब ना हो, छोटे छोटे पॉइंट सोर्स होने चाहिए.